हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोकतंत्र का पर्व और लोक आस्था का पर्व संपन्न हुआ और कोरोना से लोग सहमे हुए हैं। कारण कि दिल्ली से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि में कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या से दहशत में लोग। लेकिन सुकून वाली खबर ये कि छठ समाप्त होने के 15 दिन लगभग बीत गए, 14 दिन तक कोरोना असर दिखाता है। ऐसी परिस्थिति में बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई, ये दरभंगा बिहार के लिए सुकून वाली खबर। हालांकि हम आंकड़ों की बात करें तो दरभंगा में एक दिन पहले भी एक बहेड़ी प्रखंड के व्यक्ति की मौत हो गई। 30 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा और मरने वालों की संख्या पहुंच गई 55। अब तक डीएमसीएच के कोरोना वार्ड से कुल 96 शव निकल चुका है। 55 जो दरभंगा जिले के हैं, इसमें 46 ने डीएमसीएच में दम तोड़ा है। 9 हैं जिनमें नालंदा मेडिकल कॉलेज और एम्स या रास्ते या अन्य जगह मौत हुई है, और 55 ये दरभंगा जिले के हैं जिसमें दरभंगा शहर के मरने वाले की संख्या 20 है। तो ये कोरोना के काल के गाल में समा गए ऐसे लोग। और पहली मौत हुई थी 6 जून को, उसके बाद लगातार मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी। 96 शव निकल चुका है अब तक कोरोना वार्ड से, 96 शव जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा इत्यादि के मरीज हैं। तो 96 शव, 2 मौत हुई कोरोना वार्ड में शुक्रवार को भी। शुक्रवार को 2 मौतें, हालांकि दोनों दरभंगा जिला की नहीं। बृहस्पतिवार को 2 मौतें हुई, एक मधुबनी और एक 30 वर्षीय बहेड़ी के एक दिव्यांग व्यक्ति की मौत हुई कोरोना से, और इसने संख्या को पहुंचा दिया 55। तो कोरोना ये अपडेट, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क और 2 गज की दूरी ही सबसे बड़ा हथियार, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में कोरोना धीरे धीरे ही सही संख्या बढ़ा रहा है। 3800 के पार है दरभंगा में संख्या। हम आपको बता दें कि वुहान में 31 दिसंबर को पैदा हुआ कोरोना 11 महीने का हो गया है, 10 महीने से भारत में है। 31 जनवरी को पहला केस मिला था भारत में, जब इटली के माध्यम से वह भारत में प्रवेश किया था। 22 मार्च को बिहार में पहला केस मिला, उसकी मौत भी हो गई थी। 27 अप्रैल को दरभंगा में पहला केस मिला, दिल्ली से आया व्यक्ति संक्रमित हुआ था, बहादुरपुर प्रखंड, बाद में शहर में। अप्रैल समाप्त हुआ तो कोरोना संक्रमित की संख्या थी 1 दर्जन। मई समाप्त हुआ तो कोरोना संक्रमित की संख्या थी 100। जून समाप्त हुआ तो कोरोना संक्रमित की संख्या थी 800। जुलाई समाप्त हुआ तो कोरोना संक्रमित की संख्या थी 1500। और उसके बाद से लगातार बढ़ोतरी आप समझ सकते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीनों में कोरोना ने आंकड़ा 2300 और बढ़ा लिया और 3800 की संख्या पार कर गई है। ऐसे में 150 लोग अभी भी, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो या फिर डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में, कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। बीच में लहर आती है, लहर की संभावना अभी भी है, लेकिन प्रशासन थोड़ा सख्त हुआ है। शादी विवाह में थोड़ी छूट के बाद 150 लोगों तक को अनुमति मिली है। श्राद्ध में 25 लोगों की अनुमति मिली, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। अब 11 दिसंबर तक जो शादी विवाह का हिंदू धर्म में लगन है, वहां तक खतरे की आशंका बनी हुई, क्योंकि शादी विवाह में दूर दराज से लोग आ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी हो रही है, ठंड का भी कहर है, कोरोना असर दिखा रहा है। ऐसे में ये जो फेज दिसंबर का गुजर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और सुखद खबर ये कि 15 दिन लगभग छठ के बीच जाने के बाद भी कोरोना ने डरावने वाला कहर नहीं बढ़ पाया है। लहर तो है, लेकिन धीरे धीरे लोग, जो सजग लोग हैं, वे नियम का पालन भी कर रहे हैं। प्रशासन भी समय समय पर लोगों को सचेत कर रहा है, जगह जगह माइकिंग कराई जा रही है, कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आम आदमी की जरूरत और कोरोना का संक्रमण, दोनों की लड़ाई में जंग जारी है। जीतने के लिए वैक्सीन का सहारा, और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब
तब तक मास्क और दो गज की ही दूरी सबसे बड़ा हथियार। चलिए हम आपको वर्तमान की तस्वीर दिखाते हैं। कोरोना गाइडलाइन का नियम पालन कैसे हो, भीड़ कैसे कमे, चरमराती यातायात व्यवस्था के बीच सिसकती हुई ये जिंदगी, ये रास्ता किससे फरियाद करें और कौन कार्रवाई करेगा। मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, हजारों लोगों का की रसीद काटी जा रही है, गाड़ियां जब्त हो रही है, प्रशासन परेशान है। ऐसी परिस्थिति में जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए कोरोना के लाइन को लोग भूल रहे हैं और यही खतरा बनता है। तेज गति से दुर्घटना होती है और ऐसी परिस्थिति में ये भीड़ क्या कहता है, हम आपको बता रहे हैं। बीटीए न्यूज ने बार बार आपको बताया कि इस भीड़ में कोरोना से अगर आप बच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत और ईश्वरीय शक्ति है। कोरोना गाइडलाइन का जहां दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क के बिना भी पूरे आधे लोग अधूरे लोग, और उसके बिना जहां दो गज की दूरी दो इंच में सिमट करके रह जाती है। ये देखिए किस तरह से धज्जियां उड़ रही है, चाहे वह बिना मास्क वाले हों, मास्क वाले, प्रशासन परेशान है। ऐसी परिस्थिति में अगर कठोर कार्रवाई हो तो फिर लोग आक्रोशित हो जाते हैं। चल रहा है चेकिंग अभियान हर जगह पे, चौक चौराहा पे, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नाकाज हम लोग बना के रखे हैं वहाँ पर भी चेकिंग आदि होता रहता है। ऐसी परिस्थिति में ये भीड़ कोरोना गाइडलाइन, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, खतरों से खेलना कहा जाए गलत नहीं होगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीड हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। दरभंगा हवाई अड्डा एक माह पूर रहा है 8 तारीख को, जब सपनों की उड़ान दरभंगा से हवाई जहाज दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ा। 8 तारीख को ही यहां से तत्कालीन निवर्तमान विधायक संजय सरावगी और राजद प्रत्याशी अमरनाथ गामी, सांसद गोपाल जी ठाकुर, एमएलसी अर्जुन सहनी इत्यादि सभी गए इस इतिहास का साक्षी बनने के लिए कि दरभंगा से हवाई जहाज उड़ा। हवाई जहाज जब पहली बार आया तो इस तरह से स्वागत हुआ, सपनों के पंख लग गए, हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, लेकिन बढ़ता किराया पटना से ज्यादा, लगातार काफी बढ़ता किराया, और उसके बाद लोग अब इस पर सवाल धीरे धीरे उठाने लगे हैं। और दूसरा सवाल व्यवस्था पर, ये सही बात है कि राजनीतिक दबाव के बीच आपाधापी में पहले इसकी टिकट बुकिंग हुई और पूरी तैयारी के बिना 8 तारीख को 8 नवंबर से हवाई सेवा शुरू हो गई, लेकिन गुरुवार को मुंबई से आई फ्लाइट जब थोड़ा कोहरा धुंध के कारण यहाँ न उतर कर 2 अटेम्प्ट के बाद पटना उतरा और वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ। 5-6 घंटे के बाद 4 एसी बस के साथ लोगों को दरभंगा भेजा गया, तो अब यह सवाल उठना लाजिमी है क्योंकि कोहरा का समय है। ऐसे में थोड़ी भी देर हुई या फिर कोहरा रहा तो हवाई जहाज यहाँ उतारना कठिन हो जाएगा, क्योंकि लाइटिंग व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी अन्य टर्मिनल पर होती है। हालांकि 8 तारीख को हवाई सेवा शुरू हुई, लेकिन उसके बाद इतना समय है कि धीरे धीरे काम बढ़ता रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सपनों की उड़ान 8 तारीख को देखने के लिए लोग इस तरह जुटे थे मानो दरभंगा वासियों को पंख लग गया, और लगा भी। प्रतिदिन यहां से लोग दिल्ली, मुंबई और बंगलोर के लिए उड़ते हैं और यहाँ आते हैं, लेकिन गुरुवार को हवाई जहाज नहीं उतरने के बाद अब लोग सहमे से हैं और ये सेवा आगे इस धुंध में जारी रहेगी या अन्य कोई परेशानी होगी, इस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। हवाई किराया जो है पटना या दरभंगा का, दोनों में काफ़ी अंतर है, और ये काफ़ी अंतर कहीं फिर इसे पीछे न ढकेल दे, इस पर भी सवाल है। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक लोग कहते हैं
कि यह नई व्यवस्था है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक तो लाइटिंग भी करनी होगी, ठीक व्यवस्था भी करनी होगी, एरिया बढ़ाना होगा, क्योंकि लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो लोग सुविधा भी खोजेंगे दूसरे टर्मिनल की तरह। इसको देख रहे हैं एमपी साहब भी, हम लोग भी हैं, कल भी पटना एयरपोर्ट पर उतरा था, वो जो लाइट जो लगानी है हवाई पट्टी पर, वो लाइट नहीं लगाई, जिसके कारण आगे तो और समस्या उत्पन्न हो जाएगी, नहीं तो क्योंकि अभी तो कुहासा प्रारंभ नहीं हुआ है, 15 दिन के बाद जो कुहासा चालू हो जाएगा तब तो फ्लाइट कर ही नहीं पाएगी, उसके लिए हम लोग चिंतित हैं। जी सर, साहब से भी बात हुआ, एम पी साहब भी बात कर रहे हैं, ऑफिस के लिए कहा गया था हवाई चप्पल वाले भी यात्रा करेंगे, लेकिन यात्रा का भाड़ा इतना अधिक है, 8,000-10,000। देखिए प्रेशर बहुत है, फ्लाइट 3 आवास पर है सर, उड़ान योजना के अंतर्गत जितना बुकिंग होना था उतना तो बुकिंग हो जा रहा है, उसके बाद जो ओपन मार्केट है तो उसमें तो जो उसका नियम है स्पाइस जेट का, लेकिन ये सही बात है, आज भी मुंबई फ्लाइट कैंसिल की गई, दूसरी फ्लाइट दी गई है, जिसके कारण पैसा बढ़ रहा है, इसको निश्चित रूप से हम लोग भी देख रहे हैं, प्रशासन भी देख रहा है, और माननीय सांसद महोदय उनको भी बताया गया है कि भाई भाड़ा बहुत है, मुझे खुद ही छठ के दूसरे दिन दिल्ली जाना था, यहाँ से जब मैंने भाड़ा चेक किया तो 12,000 था और पटना से मैं 3800 में गया, तो पटना ही गया, तो यहाँ भाड़ा जो है प्रेशर बहुत है, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग बहुत हैं और मात्र एक ही फ्लाइट मुंबई दिल्ली और बेंगलोर की है, और प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है तो तुरंत फ्लाइट फुल हो जाता है, तो और फ्लाइट भी चले इसके लिए भी प्रयास हो रहा है, तो जब तक आपस में कंपटीशन नहीं होगा, आपस में प्रतियोगिता नहीं होगी, तब तक भाड़ा जो है कम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर बहुत है, तो जब आपस में कंपटीशन होगा तो भाई ठीक होगा, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। खुल गया खुल गया खुल गया, सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अलगपट्टी वीआईपी रोड मारुति शोरूम के निकट, सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में, हमारा साथ ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास, एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। मुसरी घराड़ी दरभंगा पथ के नवीकरण को लेकर जिला पदाधिकारी के यहां बैठक हुई और बैठक में सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक संजय सरावगी भी उपस्थित हुए। प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट के द्वारा बताया गया कि हाजीपुर के पासवान से चौक से मुसरी घराड़ी होते हुए दरभंगा पथ NH 103 का चौड़ीकरण कर इसे NH 322 बनाया जाना है। मुसरी घराड़ी से दरभंगा तक के पथ नवीकरण कार्य को कार्यपालक अभियंता NH दरभंगा द्वारा देखा जा रहा है। इस सड़क के लिए दरभंगा जिला के अंतर्गत लगभग 27 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता है। सड़क के अलाइनमेंट को पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिखलाया गया। सड़कों का अलाइनमेंट इस तरह से अपनाया जा रहा है ताकि अब भारतमाला एवं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को छूते हुए निकले। समीक्षा क्रम में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कार्यपालक अभियंता NH दरभंगा को निर्देश दिया कि सड़क का अलाइनमेंट इस तरह से बनाया जाए जिसमें कम से कम भू अर्जन करने की आवश्यकता हो तथा कम से कम घर टूटने की संभावना हो। जटमलपुर के पास बांध का ऊंचीकरण करना जरूरी होगा क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ की संभावना बनी रहती है। बाढ़ कभी उत्तर दिशा से तो कभी दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है, इसलिए दोनों ओर से इसे सुरक्षित करना पर बल दिया जिलाधिकारी ने। उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने बारीकी से इसे देखा है। कार्यपालक अभियंता NH दरभंगा ने बताया कि चुनाव के पहले अलाइनमेंट अनुमोदित हो गया, अब भू अर्जन की कार्रवाई की जानी है। जिलाधिकारी ने कहा कि भू अर्जन के लिए जारी किए जाने वाले अधिसूचना 3A में प्लॉट सहित उस किसान का नाम दिया जाए जिसके अधिकार में वह भूमि है। दरभंगा के द्वारा NH संबंधित बैठक रखा गया था जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी रहना था और NH के सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और उसमें हम लोग ने निर्णय लिया है औरंगाबाद से लेकर के और दरभंगा एयरपोर्ट तक जो NH को आना है उसी का सर्वे संबंधित सारे चर्चाएं हम लोग की है और निश्चित रूप से इसके लिए बाईपास किधर से जाए, इसका सुविधा यहाँ के लोगों को, मिथिला वासियों को कैसे सुविधा मिलेगी, इसी पर हम लोग आज बातचीत किए हैं। और दूसरा, एक रोसरा से लेकर के बहेरी होते हुए और दरभंगा NH का काम
प्रगति पर है उसका भी समीक्षा किए हैं, जो जल्द से जल्द एनएच में यहाँ पर काम हो। और हमने एक प्रस्ताव भी रखा है जो दरभंगा जो दोनार है वहाँ से कुशेश्वर स्थान के लिए और दरभंगा से खगड़िया के लिए और फिर लहरिया सराय से कुशेश्वर स्थान एनएच से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ रहा है सो नहीं हो। एनएच के क्षेत्र में अब मिथिला में जबरदस्त काम चलने वाला है और भारत माला प्रोजेक्ट के तहत भी हम लोगों ने आज चर्चा की है, जो मधुबनी के उच्चैठ से लेकर के और सहरसा के महिषी भगवती तक जो माला भारत माला प्रोजेक्ट के तहत देश का सबसे बड़ा पुल बनने जा रहा है। माननीय नितिन गडकरी जी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, रुचि लिए हुए हैं। तो अब हमको लगता है जो उत्तर बिहार जो 22 जिला इस क्षेत्र में पड़ता है उसमें भारत की सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का कृपा ध्यान यहाँ पर पड़ा है। अब वो दिन दूर नहीं रहेगा जो पूरे मिथिला एनएच और एनएचआई से जुड़ेगा। धन्यवाद। 322 है मुसरे घराड़ी से दरभंगा, उसी का एनएच का मीटिंग था। उसमें जो एनएच चौड़ा होना और पुराना अलाइनमेंट से इतर कुछ जमीन अधिग्रहण है या अलाइनमेंट की स्वीकृति देनी थी, तो वो अलाइनमेंट की स्वीकृति हम लोग ने दी है। जो जटमलपुर में फिर से एक नया पुल बनेगा नदी पर और बाकी जहाँ जहाँ, और ये सारी सड़क जो है फिर भारतमाला में भी इसका अंश है। दिलाही से फिर BMP ये पंडा सराय से उधर ITI होते हुए BMP 13 होते हुए 4 लेन में ये मिलेगा। पुराना रिंग रोड जो हम लोगों ने कहा था शुरू में उसका भी है, लेकिन अभी प्रस्ताव पुराना NH ये मुसरेघरारी दरभंगा जो SS था इसको 322 NH में कन्वर्ट किया गया है, इसी का अलाइनमेंट का था उसी पर। और भी कई विषय था, बाढ़ में जो पैसा नहीं गया सर, बहुत सारे वादे। दरभंगा जिले में 10 में से 9 विधानसभा क्षेत्र में NDA की जीत से गदगद हैं जनप्रतिनिधि, और अब मिथिलांचल में NH का जाल बिछाने की कवायद कोशिश, यह कहते हुए सांसद और विधायक इसी संदर्भ में हुई बैठक। विधि व्यवस्था अपराध नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार लगातार समीक्षा कर रही है, और इसी के तहत ADG बिहार पुलिस पटना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक की। कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र अजिताभ कुमार ने समाहरणालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से ADG से बात कर यहां की स्थिति से अवगत कराया। CTSP अशोक कुमार सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होने के बाद पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने BTA न्यूज से बातचीत में कहा, रिव्यू अपराध नियंत्रण पर, अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पेंडिंग केस का डिस्पोजल के लिए सुपरविजन पेंडिंग डिपेंडेंसी उसको कम करने के लिए थानों की कार्यकलाप और सुधारने के लिए इसी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। सब लोगों ने अपने अपने राय विचार दिए गए, ऊपर से निर्देश भी मिले कि हम अपने कार्य में और कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये देखिए, आज पुलिस मुख्यालय की तरफ से ADG CID साहब की तरफ से ये था, और ये समीक्षात्मक बैठक थी जिसमें अपराध और अपराध नियंत्रण कांडों के निष्पादन और तमाम पहलुओं के मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है, और वो हम अपने ज़िले में उसको लागू करवाएंगे और ताकि अपराध की स्थिति अच्छी हो पाए। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। JP सेनानियों की एक बैठक आहूत की गई। समाजवादियों की सरकार है और ऐसी परिस्थिति में कई सुविधाओं की मांग लगातार हो रही है। केंद्र सरकार से भी इस संदर्भ में सेनानियों ने मांग की। आदेशानुसार अरुण पाठक जी का जो निर्देश हुआ है, उस निर्देशानुसार में जितने भी NDA के प्रत्याशी हैं, जीते हुए प्रत्याशी, उनसे
जेपी सेनानी के समर्थन में अपना मांग पत्र रखवाऊंगा और भारत सरकार के यहाँ भी उनसे लिखवा के भेजवाऊंगा। आपके संगठन के प्रस्ताव के समर्थन में आज लहरियासराय स्थित रहमगंज में मतरंजन पोखर स्थित निषाद धर्मशाला में आयोजित बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में 5 साल पूरा होने पर राज्य सरकार को याद दिलाने के लिए जमा हुए हैं कि हमें 5 साल हो गया और हमें सरकार द्वारा अब तक सही रूप से सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और विद्यापति पर्व समारोह के समापन पर युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन द्वारा बिरौल में पाक शोभा यात्रा निकालकर मिथिला की याद में विद्यापति की याद और जो पाग है उसके पहनकर पाग यात्रा।